भारत का डिफेंस सेक्टर आजादी से पहले भी काफी मजबूत हुआ करता था। आजादी के समय देश में 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, जहां आर्टिलरी गन समेत कई तरह के सैनिक साजो सामान हमारे देश में बना करते थे। दूसरे विश्व युद्ध में रक्षा उपकरणों के हम एक अहम सप्लायर थे। हमारे हॉविट्ज़र तोपों, ईशापुर राइफल फैक्ट्री में बनी मशीन गनों को उस समय श्रेष्ठ माना जाता था। हम बहुत बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय में हम इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर बन गए। और थोड़ा हम नजर करें कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने बहुत विनाश किया, अनेक प्रकार के संकटों से दुनिया के बड़े बड़े देश फंसे पड़े थे, लेकिन उस संकट को भी, आपदा को अवसर में पलटने का उन्होंने प्रयास किया। और उन्होंने आयुध के निर्माण के अंदर और दुनिया के बड़े मार्केट को कब्जे करने की दिशा में लड़ाई में से वो रास्ता खोजा और स्वयं एक बहुत बड़े निर्माणकर्ता और बहुत बड़े सप्लायर बन गए डिफेंस की दुनिया में। यानी युद्ध झेला, लेकिन उसमें से उन्होंने ये रास्ता भी खोजा। हमने भी कोरोना काल में इतना बड़ा संकट आया, हम बहुत एकदम से बहुत नीचे के पायरी पर थे, सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, पीपी किट नहीं थे हमारे पास, वैक्सीन की तो हम कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में से दुनिया के उन देशों ने बहुत बड़ी शस्त्र शक्ति बनने की दिशा में रास्ता खोज लिया, भारत ने इस कोरोना कालखंड में इसी बुद्धिमत्ता से वैज्ञानिक धरातल पर वैक्सीन खोजना हो, बाकी इक्विपमेंट बनाना, हर चीज में पहले कभी नहीं हुआ वो सारे काम कर दिए। साथियों, ऐसे प्रयासों का परिणाम अब दिखने लगा है। बीते 4-5 सालों में हमारा डिफेंस इंपोर्ट लगभग 21% कम हुआ है, इतने कम समय में। और ये नहीं कि हमने पैसे बचाने के लिए कम किया है, हमने हमारे यहां उसका ऑल्टरनेट दिया है। आज हम सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के बजाय एक बड़े एक्सपोर्टर की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।